वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मीनाक्षी, होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। और वो प्रोडक्ट है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर मास्क। मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आज बात करूंगी, ये प्रोडक्ट कैसा है, ये आप कैसे यूज कर सकते हैं, आपके हेयर में आपको किस तरीके से यूज करना है, मेरे हेयर में वो कैसे इफेक्ट दिखाया है। चलिए गाइस, वीडियो को बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना। चलिए वीडियो को बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जो प्रोडक्ट है आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर मास्क, ये जो मास्क है ये मैं अभी अप्रैल मंथ से इसे यूज करना स्टार्ट किया है, तो इट इज 3 months आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सो चलिए अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। इस तरीके का आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें कोई कार्टन पैकेजिंग है नहीं, डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग दिस प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग। मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी, सो इस तरीके का आपको नॉर्मल पैकेजिंग जो कि कैप आपको ब्लैक कलर का, ये नॉर्मल पैकेजिंग जो प्लास्टिक जैसा रहता है वैसे, नो कलर ऑन दैट, सो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट लाइक दिस। इस तरीके का आपको स्टिकर लगाया हुआ मिलेगा एंड दिस प्रोडक्ट इज 200 ml विच यू विल बी गेटिंग। ये जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट सल्फेट फ्री है, इसमें कोई सल्फेट नहीं है। चलिए गाइस अब इसको खोल के देखते हैं ये प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है। इस तरीके का आपको एक्स्ट्रा कवर मिलेगा जो आप टू कीप योर प्रोडक्ट सेफ। सो इस तरीके का आपको कंसिस्टेंसी मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी इज नॉट रनी, अ थिक कंसिस्टेंसी, इट इज अ क्रीमी कंसिस्टेंसी एंड इट स्मेल्स हेवनली। चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें है आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर। इसमें आपको प्योर मोरक्कन आर्गन ऑयल मिलेगा, प्योर आर्गन ऑयल जो है आपके हेयर को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है। जिसका हेयर फ्रीजी है वो बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं लगता है आफ्टर अप्लाइंग दिस मास्क। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको जो मिलेगा वो है लेवेंडर, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया है लेवेंडर फ्लावर्स, इसीलिए इसकी जो स्मेल है एक कामिंग फ्रेग्रेंस मिलेगा। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है गाइस, सो द फ्रेग्रेंस इज टू गुड। इसमें है ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, इसमें आपको ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलेगा जो कि हेयर को हाइड्रेट कर देता है। आपके हेयर के हाइड्रेशन के लिए कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड इट गिव्स हाइड्रेशन टू द हेयर। चलिए अब तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, दूसरी बात तो आपको ये भी बताना है कि हेयर मास्क के बेनिफिट्स क्या क्या है। चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। आपके हेयर को एक अच्छा हाइड्रेशन देता है, डीप हाइड्रेशन देता है, हेयर में जो ड्राइनेस का इश्यू है उसके ऊपर वर्क करता है। हेयर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, इसको लगाने के बाद हेयर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जैसे कोई भी आप हेयर मास्क यूज करते हैं उसके बाद आपको एक स्मूथनेस फील होता है। नेक्स्ट फीचर्स इज आपके हेयर को रिपेयर करता है और बालों को एक स्ट्रेंथ देता है। इसमें है प्रोटीन एंड विटामिन, जो हेयर मास्क होता है वो डैमेज्ड हेयर के ऊपर वर्क करता है जो कि हेयर को स्ट्रेंथ देता है। मेरे हेयर में फ्रिजीनेस का बहुत इश्यू है गाइस, सो इट वर्क्स ऑन द फ्रिजीनेस ऑफ द हेयर। जैसे मैंने आपको बताया इसमें है आर्गन ऑयल जो कि हेयर के फ्रिजीनेस के ऊपर वर्क करता है। किसी इंग्रेडिएंट में अगर आर्गन ऑयल होता है तो वो बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है हेयर मास्क के लिए, बिकॉज इट गिव्स अ मॉइस्चर टू द हेयर, हेयर के फ्रिजीनेस के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है आप हेयर मास्क अप्लाई करते हैं तो इसमें एक अच्छा फ्रेग्रेंस है जो मैंने आपको बताया, जो कि लेवेंडर का फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आप हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस रहता है, काफी टाइम तक रहता है जब तक आप अप्लाई करते हो, बट व्हेन यू वॉश इट इट डजंट स्मेल दैट मच, बट व्हेन यू अप्लाइड एंड कीप इट फॉर सम टाइम यू विल फील दैट फ्रेग्रेंस, मतलब जब तक आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है आपका जो हेयर फॉल है उसके ऊपर
वर्क करता है ये हेयर मास्क। अगर आप रेगुलर हेयर मास्क को यूज करते हो, रेगुलर मतलब हर दिन नहीं यूज करना, जैसे आप हेयर वॉश कर रहे हो, वीक में 3 बार हेयर वॉश कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप हेयर मास्क यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आप हेयर वॉश के बाद हेयर को अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए। ऐसा नहीं कि बाल से टप 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 टपक रहा है और आप हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हो। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द हेयर मास्क टाइम टू टाइम वर्क्स ऑन द हेयर फॉल एज वेल। चलिए अब बात करते हैं हम हेयर मास्क को कैसे यूज कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा जैसे हम सलून में जाते हैं, हम बोलते हैं हमें हेयर स्पा करना है, तो आपने देखा ही होगा वो हेयर स्पा क्रीम जो होता है वो ये हेयर मास्क ही होता है, वो हेयर मास्क ही यूज करते हैं एज अ हेयर स्पा। So you think about it, for a mask which you are buying, maybe 800 rupees, 900 rupees, whatever it is, or 1800, whatever you are purchasing, but आप एक पूरे डब्बे का 1800 रुपए दे रहे हो, मतलब 1800 दे रहे हो या 800 दे रहे हो या 500 दे रहे हो, 600 जो भी दे रहे हो, but आप एक डब्बे का दे रहे हो, this much size you are giving for 500 or 600. They are telling us a hair spa and using the same hair mask cream and they are giving some steam or massage. They are charging 1800, so it's costly. Yes, hair spa works. मैं ऐसे नहीं बोलूंगी hair spa doesn't work. It really works. What they do, their work, their job, they do it best. It works. But वो आप मंथ में एक बार जा सकते हो, आप हर बार नहीं जा सकते हो, you know, to keep your hair stable, to keep your hair soft, keep your hair manageable. So you have to apply it. Whenever you are washing the hair, you are applying it. How to use? आप hair wash कर रहे हो, hair wash के बाद आपके hair को अच्छे से damp करना है, जैसे आप tip 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 पानी नहीं गिरना चाहिए, damp the hair and you have to apply it here. On the ends you have to apply and here whatever is left, क्योंकि यहाँ मेरा dryness है, don't apply it on the scalp. Inside the scalp you will not apply it. Scalp ke andar apply karoge to fir wo problem ho jata hai. Whatever they applied in the salon mein apply karte, scalp mein apply karte to wo wash bhi bahut achhi tarike se karte hai. So when you are washing the hair at home, just apply it on the ends of the hair and yahan scalp ke andar aapko nahi apply karna hai. So is tarike se apply kar sakte hain. As per the mask says that they are adding 2 minutes and then you can wash it, but guys मेरा पॉलिसी थोड़ा अलग है, मेरे हेयर में जो वर्क करता है मैं वही करती हूँ। सो व्हाट आई डू, आई वॉश माय हेयर, आई टेल माय वे ऑफ अप्लाइंग, देयर वे आई हैव टोल्ड यू 2 मिनट्स यू कैन अप्लाई एंड वॉश इट। व्हाट इज माय वे, आई वॉश इट, आई डैम्प माय हेयर एंड देन अप्लाई इट ऑन द एंड्स, आई देन अप्लाई इट हियर एंड लीव इट फॉर एटलीस्ट 1/2 hour एंड देन वॉश माय हेयर। आप इतना महंगा प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो जो कि 500 रुपए का हो, 600 रुपए का, जो भी है, एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन वॉशिंग द हेयर एंड देन यू आर जस्ट वॉशिंग इट ऑफ विद इन 2 मिनट्स। आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क्स, मे बी वर्किंग, बट मैं क्या करती हूँ, 1/2 hour अच्छे से उसे रखती हूँ, मैं आ जाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, देन अगेन आई गो वॉश ओनली विद द क्लीन वॉटर। आपको दोबारा शैम्पू नहीं करना है आफ्टर द हेयर मास्क, आप डायरेक्टली नॉर्मल पानी से पूरे हेयर को धो लीजिए। अगर दोबारा आपने शैम्पू लगा दिया तो हेयर ड्राई हो जाएगा। टू गिव दैट मॉइस्चर ओनली वी आर अप्लाइंग द हेयर मास्क। शैम्पू का काम सिर्फ हेयर वॉश करना है, हेयर वॉश करेंगे तो हेयर से डर्ट निकलेगा। सो आफ्टर अप्लाइंग द हेयर मास्क एंड देन वॉशिंग इट, डोंट शैम्पू योर हेयर, हेयर मास्क को आप नॉर्मल वाटर से धो दीजिए, अच्छे से वॉश करके उसके बाद आप उसे नॉर्मल ड्राई भी कर सकते हैं या आप हेयर ड्रायर से भी ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, उसके बाद अपना मास्क लगा सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है जैसे आपको घर पे हेयर स्पा करना है तो आप इसी को स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके गिविंग अ स्टीम एंड देन यू कैन वॉश इट प्रॉपरली, दैट टू वो दैट ऑल्सो यू हैव टू जो है उसको नॉर्मल वॉश करना है। आप जब सलोन में भी स्पा करोगे तो वो लोग भी नॉर्मल वॉश करते हैं, शैम्पू से नहीं करते। सो कीप अ ट्रैक ऑन दैट एंड आप हेयर मास्क इस तरीके से यूज कर सकते हो। कौन यूज कर सकते हो, हर कोई यूज कर सकता है। इट वर्क्स ऑन द फ्रिजीनेस ऑफ द हेयर, जो हेयर आपका फ्रिजी है, ड्रल है, मॉइस्चर नहीं है हेयर में, उसके ऊपर ये मास्क वर्क करता है, बेहतरीन वर्क करता है। गाइस मैं ये एक सच बात बताऊंगी, मैं हार्डली हेयर मास्क के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे हेयर मास्क मैंने यूज किया है, वेला एंड सो मेनी अदर हेयर मास्क, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट फ्रॉम ऑल द हेयर मास्क
दिस द बेस्ट वन. पिलग्रिम का मैंने यूज किया, बहुत एडवर्टाइज करते हैं पिलग्रिम वाले, बट उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट पिलग्रिम का हेयर वॉश का एक स्टिंगी स्मेल आता है एंड इट डिडंट वर्क. दे सेड द हेयर विल बी स्ट्रेट, यू विल गेट द प्रोटीन, नथिंग एज सच आई गॉट, बट इसका इतना एड आता नहीं है. बट आई डोंट नो, मैं बाहर में थी, मेरे पास हेयर मास्क नहीं था, बट मुझे यहां से लेके नहीं जाना था, सो आई परचेज, आई थॉट ऑफ ओके चलो ले लेते हैं. इट्स नॉट दैट कॉस्टली ऑल्सो, इट इज 600 रुपीज, बट आप डिस्काउंट में लोगे तो इसको प्राइस ज्यादा नहीं है, 549-550 ऐसे कुछ रहता है पर्पल में. सो यू आर गेटिंग अ मास्क गाइस. पहला परचेज ये है मेरा, आई फिनिश्ड इट फुल्ली, डब्बा अभी खाली है बिल्कुल, एंड दिस इज द सेकेंड रीपर्चेज विच आई एम परचेजिंग इट. गाइज, इफ यू वॉन्ट अ हेयर मास्क विच यू वॉन्ट शाइनी हेयर, नो फ्रिजीनेस इन द हेयर, अ गुड फ्रेग्रेंस, उधर एक कामिंग एफेक्ट, स्पा वाली लाइए आपको, यू कैन ट्राई दिस हेयर मास्क, अ वेरी ब्यूटिफुल हेयर मास्क विच इज ऑफ लव ब्यूटी एंड प्लानेट, विच इज ऑफ आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर. खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी है, सो यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट. अगर आपको हेयर मास्क लगाना अच्छा लगता है, जैसे आपका हेयर है बहुत थिन है गाइज, सो डोंट अप्लाई हेयर मास्क. एनीबडी हु हैज थिक हेयर, यू नो, एंड हेयर इज फ्रिजी, यू कैन अप्लाई दिस. सो ये प्रोडक्ट आपको नायका में मिल जाएगा, पर्पल में मिल जाएगा. मैंने इसको पर्पल से ही परचेस किया है. आप किसी भी ऑनलाइन साइट से परचेस कर सकते हैं, इनके लव ब्यूटी प्लानेट के साइट से भी आप परचेस कर सकते हैं, बट मैंने इसको पर्पल से ही परचेस किया है. तो गाइज, आप सबको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, बहुत कम लाइक आते हैं. शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिसको ये ऐसा वीडियो देखना अच्छा लगता है. अगर आपने ये प्रोडक्ट लिया है, आपके हेयर में कैसा असर किया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय.